हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकोवनीस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कंपैरिजन के बारे में जिसके बारे में केवल मेरे ओपिनियंस हैं। ये आप इस चीज को ऐसे समझ के लीजिएगा कि मैं अपने टेक वाले मूड से इस चीज को बता रहा हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के माफिक देखूं या फिर एक टेक वाले बंदे के माफिक देखूं तो बहुत सारी चीज बदल जाती है। अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदते हो तो उस समय आप अगर टेक वाले बंदे के हिसाब से देखते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा फीचर्स गेन करने की कोशिश करते हो कम से कम रुपयों में। अगर आप एक ऐसे बंदे के हिसाब से देख रहे हो जो कि नॉर्मल बंदा है और मार्केट गया है केवल और केवल एक मोबाइल परचेज करने के लिए, तो वो उस चीज़ को देखेगा कि 15,000 या 20,000 के बजट में मुझे कौन सा एक स्मार्टफोन मिल जाता है, या दुकानदार उसको कौन सा स्मार्टफोन चेप देता है, या फिर ये कहा जाए कि उसको गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए या कैमरा वाला गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए या फिर कुछ और अदर चीज़ वो सोच करके जाता है। लेकिन एक टेक बंदा वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा सोच के जाता है कि मुझे जो जो चीज़ चाहिए वो मैक्सिमम चीज़ मुझे इस कम से कम प्राइस में मिल जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप कंपैरिजन करके बताऊंगा Amazon Fit GTR 2 Mini का और साथ ही साथ Realme Watch S का। अगर आप इनमें से कोई सी भी वॉच परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी बन जाती है, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों आप में से कोई भी अगर एक ऐसी वॉच खरीदना चाहता है जो कि एक स्मार्ट वॉच है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? आप सबसे पहले वो चीज़ देखोगे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि हेल्थ रिलेटेड चीज़ें या फिर उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई हैं जिससे कि वो वॉच मेरे काम आएगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी गड़बड़ या गलती कर जाते हैं इस बात में कि ऐसा हो कि कम प्राइस में देने वाली चीज़ ज़्यादा प्राइस में देने वाली चीज़ के इक्वल हो और आपके 2 से 3 हज़ार रुपये बच जाएँ। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको वो देखनी चाहिए उस वॉच में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है वो स्पेसिफिकेशन हो सकता है वो लुक हो सकता है वो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सबसे पहली चीज़ देखी जाती है प्राइस। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको देखना चाहिए प्राइस, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कोई भी कंपनी कुछ भी चेप रही है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं Realme Watch S आपको मिल जाती है 4,999 की और Amazon Fit GTR 2 Mini मिल जाती है आपको 6,999 की। 7,000 और 5,000, 2,000 का डिफरेंस है। दोस्तों 2,000 का जो प्राइस डिफरेंस है उस प्राइस डिफरेंस में भी आपको एक ऐसी वॉच देखने को मिल जाएगी जिसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस ये रहेगा कि उसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलेगी और इन दोनों वॉचेस में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। ये फर्क हो जाता है। मेरा ओपिनियन क्या रहेगा इन दोनों वॉचेस में किसी एक को खरीदने का? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको एक वॉच चाहिए जो लाइट वेट हो, गुड लुकिंग हो, सर्कुलर ना होकर के रेक्टेंगुलर हो और कहा जाए तो स्लिम हो, आपको हर तरह से एक प्रीमियम फीलिंग दे, तो आपको जरूर से Amazon Fit GTR 2 Mini की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको अपना थोड़ा सा पैसा बचाना है और बजट सेगमेंट में, मतलब कि 5,000 तक का बजट है और आपको एक वॉच लेनी है, तो आप जरूर से Realme Watch S की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही कंपनियां अपने अपने तरफ से बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और Realme जिस हिसाब से OTA अपडेट्स प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से लगता नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए भी डिले करेगी, मतलब कि वो अपनी वॉच के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही है। और 1 साल 1.5 साल तक के लिए मान ही लीजिएगा कि आपको OTA अपडेट्स वॉच में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई कन्फर्मेशन कंपनी ने नहीं कहा है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ एक अंदाज़ा लगा करके जिस हिसाब से Realme वर्क कर रही है उस पर। लेकिन Amazon Fit GTR 2 Mini की बात करूं तो उसका OTA अपडेट Amazon के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि अभी मेरे को इतना कंफर्मेशन नहीं है इसके लिए Amazon Fit GTR 2 Mini के लिए। तो दूसरा जो डिफरेंसेस देखना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसकी बैटरी बैकअप क्या है। वैसे दोनों ही कंपनियां ये कहती हैं कि बैटरी बैकअप यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, यूज़र कितना हाईली यूज़ करता है या कितना बेसिक यूज़ करता है। अगर आप हाईली यूज़ करते हो तो 7 डेज बोला है दोनों ही कंपनियों ने, अगर आप बेसिक यूज़ करते हो तो दोनों ही कंपनी ऑलमोस्ट 21 दिन बोलती हैं। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ना कि बहुत ज़्यादा हाई यूज़ करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लो यूज़ करते हैं, नॉर्मल मिड सा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं 14 डेज बताया है और मैं अपनी तरफ से मानूं तो 10 डेज आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन बैटरी MAH की बात करूं तो Realme Watch S में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। और डिस्प्ले की बात करूं तो AMOLED डिस्प्ले दोनों में ही देखने को मिल रही है, इसी वजह से इनका प्राइस 5,000 और 7,000 है। लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करूं तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कि आप जब बॉक्स रिटेल बॉक्स परचेस करोगे और उसको ओपन करोगे तो उस टाइम पर Amazon Fit GTR 2 Mini में
देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, OTA अपडेट के थ्रू Realme Watch S में भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाएगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो हर दिन अपने वॉच का जो फेस है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए Realme Watch S Pro बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 100+ 100 से ज़्यादा वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि Amazon Fit GTR 2 Mini में आपको कम से बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी आपको 50+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। अब बात करता हूँ इनकी वाटरप्रूफिंग के बारे में। वाटरप्रूफ की बात करूँ तो IP68 की रेटिंग Realme Watch S के साथ देखने को मिल जाती है, लेकिन Amazon Fit GTR 2 Mini की बात करूं तो उसमें आपको IP68 वगैरह की कंफर्मेशन कंपनी ने तो नहीं दी है, लेकिन उसमें आपको 5 ATM तक का वाटर डैमेज सपोर्ट मिल जाता है, कि मतलब 5 ATM के लेवल तक आपको वाटर डैमेज नहीं होगा। तो इस बात से उन लोगों के लिए ये सही रहेगा जो स्विमिंग करते टाइम भी वॉच को पहने रखना चाहते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करूं तो Amazon Fit GTR 2 Mini में आपको 450 nits की डिस्प्ले ब्राइटनेस मिल जाती है। वहीं बात करूं अगर मैं Realme की, तो उसमें भी सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है, और Realme में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है, जबकि Amazon Fit GTR 2 Mini में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, या मिलता भी हो तो कंपनी ने अपनी तरफ से कंफर्मेशन नहीं किया है। और आपको मैं बता दूं, Amazon Fit GTR 2 Mini और Realme Watch S के साथ, दोनों के साथ ही आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं कि आप ब्लूटूथ से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कीजिएगा और वॉच में क्लिक कीजिएगा और आपका फ़ोन सेल्फी ले सकता है। अगर आप फोटो कहीं फ़ोन को रख करके खींच रहे हो तो खींच सकता है। अगर आपका स्मार्टफोन दूर रखा हुआ है और वॉच से कनेक्टेड है तो आप म्यूज़िक भी चला सकते हो। और Realme में एक स्पेशल फीचर है, अगर आपका स्मार्टफोन दूर रखा हुआ है और आप अपने स्मार्टफोन के पास जा रहे हो और आपने वो वॉच पहन रखी है, तो आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा या फिर अनलॉक हो जाएगा। ये फीचर Amazon Fit GTR 2 Mini के साथ नहीं है। और Realme को कनेक्ट करने के लिए Realme Link एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वीडियो में मैं आपको कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिकेशन बता करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, मैंने कुछ आपको मेन चीज़ें बता दी, जिनको देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा वॉच परचेज करना चाहिए, कौन सी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूं, अगर आपके लिए प्राइस मैटर करता है तो Realme Watch S कोई बेकार डील नहीं है, बहुत ही बढ़िया डील है, और 2000 रुपये की सेविंग हो जाएगी। उन 2000 रुपये को आप कहीं भी अदर यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में बेल आइकन बन के आएगा उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और 1 साल 1.5 साल तक तो मान ही लीजिएगा कि आपको एक बहुत और 1 साल 1.5 साल तक तो मान ही लीजिएगा कि एक आपको बहुत अच्छा एक अरे बाबूजी हट जाओ। लेकिन आप में से ऐसे लोग हैं, बस चलिए, लेकिन जिनको देख करके आप वॉच को परचेज करने का डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा